Pero... Hey, we're fine. भगवान, लगता है भयानक संकट आने वाला है। हमें ठाकुर दादी और सौरभ भैया को फौरन चेतावनी देनी पड़ेगी। कौन है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे बच्चों, इतनी बारिश में क्या गुटरगू कर रहे हो? ठंड लग जाएगी। आओ बहुरिया, सौरभ चलो अंदर आ जाओ। आओ। आए मम्मी जी। यहाँ क्या कर रही हूँ? सौरभ, हमने 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 वहाँ पर किसी को देखा। कोई 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 हम पर कूदने वाला था। कहाँ? कुछ भी तो नहीं वहाँ। आओ अंदर आओ। नहीं नहीं, वहाँ पर कोई था। कोई कोई खुदाई कर रहा था। वो हमारी तरफ कूदने की कोशिश कर रहा था। कोई 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 अजीब जानवर जैसा। रानी, कोई नहीं वहाँ पे। अपन रहो। अरे इतनी रात को तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो भीतर आओ। वो विश्वास कीजिए हमारा, वो जानवर ही था। बहुत ही अजीब जानवर था। वो फोन पे लपकने की भी कोशिश कर रहा था और फिर अचानक गायब। सौरभ, सौरभ आप ही तो थे ना वहाँ पर। बोले ना मम्मी जी को कि आपने देखा, वो कुछ जानवर जैसा था। हमने सच में खुद देखा है, वो खुद ही भी मिट्टी। रानी, हो सकता है जानवर ही हो, पर पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अरे मान लिया जानवर था, लेकिन तुम परेशान मत हो। हम है ना, हम तुम पे आंच नहीं आने देंगे। हम सब संभाल लेंगे।
सोए नहीं अभी तक? तुम्हारे चेहरे से मेरी आंखें हटने का नाम ही नहीं लेती, तो भला नींद कैसे आएगी? तुम जगी क्यों? सोते ही बहुत प्यारी लग रही थी। दरअसल हमने बहुत बुरा सपना देखा सौरभ, ऐसा लगा जैसे कोई चीज आपको हमसे दूर ले जा रही है। एक अजीब सा अंधेरापन था हम दोनों के बीच। हो ही नहीं सकता, भूल गई बगली, जग हो जाए उथल पुथल, उल्टा सीधा जाए फिसल। रानी सौरभ प्रेम करें, गंगा जैसे बहे अटल। सॉरी, मत मारो इस मासूम को। कल रात तूफान से बचने के चक्कर में घर में आ गई होगी बेचारी। अब इसे बचाने के लिए हमें मारेंगे? और एक मिनट, आपको कैसे पता कि ये एक लड़की है? अरे कॉमन सेंस होता है, मेंढक के कान बड़े होते हैं, मेंढकी के छोटे, मतलब मेंढकी के आंख और कान दोनों एक साइज के होते हैं। ये इसकी आंख और कान दोनों एक साइज हैं, तो मैं ये मेंढकी। आप कब से प्रोफेसर बन गए मेंढकों के ऊपर? कैसी बात कर रहे हैं? क्या कर रहे, क्यों कर रहे हैं, हमें नहीं पता, और नहीं हमें पता करना है इस वक्त। हम बस इतना जानते हैं कि ये अभी के अभी हमारे घर के बाहर होना चाहिए। अरे अभी ठीक है, ठीक है। तो बेचैन है, सिर्फ दो दिन बाद अमावस है, और अमावस होते ही मैं इस जोड़ी का वो हश्र करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। सिर्फ दो दिन।
भैया कब से हौज में बैठे हुए हैं आप? भाई मछली हो क्या तो जल बिन रह ना पाओगे? अरे कुछ तो बोलो भाई, सिर्फ टुकुर टुकुर देखते रहेंगे आप हमें। सौरभ हम आपसे बात कर रहे हैं। जान लोगे क्या? अरे हम तो बस खेल रहे थे, डर गई क्या? खेल? ऐसा कुछ खेल होता है क्या? और हमने देखा पानी के नीचे से आपका चेहरा, मेंढक जैसा लग रहा था। हमने देखा पानी के नीचे से कोई जीव जानवर, कोई अजीब अजीब सी चीज थी जो हमने देखी। अच्छा तो अब मैं तुम्हें मेंढक जैसे भी दिखने लगा, मतलब कुछ भी। माना कि बहुत खूबसूरत नहीं है हम, लेकिन इतने बदसूरत भी नहीं है कि मेंढक दिखने लगे। देखा हमने, मिर्ची सब ठीक तो है ना? रहती है, कभी पप्पे कभी झप्पे, फिर अब क्या हुआ? छोड़िए, दर्द हो रहा है। मैं कहाँ रहता है बहुरिया? देखो दिन चढ़ गया और अभी तक पंडित जी के भोग का खाना ठंडा हुए जा रहा। अब बस अभी देखे आते मम्मी जी।
पंडित जी हम रानी आपके लिए खाना लेकर आए, दरवाजा खोलिए प्लीज। पंडित जी ये क्या है? ये पंडित जी की बचे कुची संपत्ति है। दादी ठाकुर, आपका परिवार कई वर्षों से मंदिर का संरक्षण कर रहा है, अब आप ही फैसला कीजिए कि सामान का क्या करना है। पंडित जी पिछले बहुत दिनों से कुछ ज्यादा ही चिंतित थे और ये नागमाला आपको देने को कहे थे। मत लगाओ मुझे, दूर रहो मुझसे। कंधे आज सौरभ, आपको तो हमारा छूना पसंद था ना, फिर हमारे ये हाथ गंदे कैसे लगने लगे आपको? अगर हमसे कोई भूल हो गई है तो बोलो हमें, इस तरीके से हमारे साथ बुरा सलूक करने का क्या मतलब है? पत्नी है आपकी। तुम मेरी पत्नी नहीं हो, समझी? बस कुछ देर और सही, अमावस होते ही हमारा लक्ष्य, हमारा बदला हमें मिल जाएगा, बस कुछ ही घंटों में। खबरदार, उसे कुछ कहा तो प्यार करती है मुझसे, समझी? आप पागल हो चुके हैं, कोई एक डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाएं उसके पहले हम ही। अगर तुमने उसे मारने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। दर्द हो रहा है क्या? हा? नहीं बहू, हुआ क्या है? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि क्या हुआ है। सौरभ दिन ब दिन हमसे दूर होते जा रहे हैं, और उस दिन हाउस में भी
सकते हैं, हमें हमें खुद विश्वास नहीं हो रहा, पर हम कह रहे हैं कि ये सच है, हमने देखा था, पर हम नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे। अब तुम मेंढक की बात कर रही हो, पर पंडित जी हमें नागमाला देना चाहते थे। नाग तो मेंढकों का प्राकृतिक दुश्मन है, कहीं पंडित जी को आने वाले संकट का आभास तो नहीं हो गया था? नहीं पता, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ तो भारी संकट आने वाला है। सौरभ कहाँ है? नहीं पता। तुम यही रुको, मैं बाहर जाकर देख कर आती हूँ। हाँ सौरभ, ये क्या हो गया है आपको? मैं तुम्हारा पति सौरभ नहीं हूं, लेकिन हाँ ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो है। तुम अंधविश्वासियों ने अज्ञान और मूर्खता में दो मेंढकों का लगन करवाया। क्यों? हाँ क्योंकि तुम्हें लगा तुम्हारा गांव आबाद होगा, तुम्हारी फसलें खिलेंगी। अपने स्वार्थ के लिए सौरभ ने खुद हम दो मासूम जानवरों के मिलन का मौसम भंग किया, हमें अपने प्राकृतिक घर से उजाड़ के हमें इस्तेमाल किया। लेकिन उस जहरीले पानी में
दर्दनाक मौत मरा था। तुम्हारे मंदिर कर्ता परिवार की वजह से, तुम्हारे अंधविश्वास की वजह से मेरी पत्नी विधवा हो गई। देखिए, सिर्फ सौरभ की गलती नहीं थी, हमारी भी थी और कहीं ना कहीं हम सबकी थी। फिर इसकी सजा सिर्फ सौरभ को क्यों? सुख के रह जाने के वजह से हम बहुत डर गए थे और इसके वजह से हमने इतनी बड़ी गलती कर दी। हमारी आपसे कोई 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 बैर नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। जो भी हुआ उसके लिए कर तो नहीं सकते, पर दिल से माफी मांग सकते भगवान के लिए। भगवान, भुगतान की घड़ी है ये, और सिर्फ सौरभ ही तुम सब भुगतोगे। सौरभ के तन पे कब्जा करके मुझे जन्म जन्मांतर के लिए मेंढक बनाऊंगा। मरते पल मैंने ये संकल्प लिया था और आज मेरा संकल्प पूरा होगा। आज अमावस की रात है और आज मैं अपने बदले की आग को बुझाऊंगा। मेरे बाबू को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे पैर पकड़ती हूँ, छोड़ दे। राक्षस मेंढक को मारना होगा और सौरभ को बचाना होगा। चलो बहू, निकलते। मम्मी जी, हम जानते हैं कि उसे चोट कैसे पहुंचा सकते हैं, बस उसके लिए हमें नागमाला की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चल। We'll be right back.
उथल हो जाए, उथल पुथल हो जाए, उथल पुथल, उल्टा सीधा जाए फिसल, उल्टा सीधा जाए फिसल। रानी सौरभ प्रेम करें गंगा जैसे बहे, रानी सौरभ प्रेम करें गंगा जैसे बहे अटल। छोड़ दो रानी, ये रंगमाला ले, उसके गले में डाल, जल्दी ले ले ले। हमारी भूल की वजह से आप दोनों पे कठोर आपत्ति आई, हमें माफ कर दीजिए, माफी नहीं, एक मानते हैं हम आपसे, हमारे परिवार वालों को जाने दो, चाहिए तो आप हमारी जान ले लीजिए, हमारे साथ जो चाहिए आप करिए, इनको जाने दीजिए। सौभाग्य है कि मेंढक ने हमें क्षमा कर दिया, शायद वो जानती है विधवा होने का दुख।